सो दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देख के आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि आज की टॉपिक किसके बारे में होने वाली है। हाँ दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं व्हाट्सअप के जो नया टर्म एंड कंडीशन आए 2021 के, उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको डिटेल्स पता चले। जो व्हाट्सअप की नए अपडेट आई है 2021 की, और नए अपडेट में जो टर्म एंड कंडीशन कुछ है, उस टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है। और वीडियो एंड में आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कुछ वैल्यूबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। अगर इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो देरी ना करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। बहुत सारे बंदे को जो टर्म एंड कंडीशन अपडेट नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसमें नए टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। अगर आप नए टर्म एंड कंडीशन में एग्री है, देन आप आई एग्री करके व्हाट्सएप को कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। अगर आप टर्म एंड कंडीशन में एग्री नहीं है, देन आपको व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ेगा। सो उसका जो डेडलाइन है, मतलब टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने की व्हाट्सएप की तरफ से एक डेडलाइन है, जो कि February 8, 2021 है। उसके अंदर आपको जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसको एग्री करनी है, नहीं तो आप एग्री नहीं करते देन आपकी जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, देन आपको क्या करनी है, जो आपकी व्हाट्सएप सेटिंग है, सेटिंग को आप ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हेल्प पॉइंट एक होता है, देन हेल्प पॉइंट को क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन पर आप देख सकते हैं टर्म एंड प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन होता है, जस्ट इसको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा कौन सी ब्राउजर में आपको ओपन करनी है, देन सिंपली सी आपको क्रोम कर देनी है, देन यहाँ पर जस्ट नाउ क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जो व्हाट्सएप की लीगल पेज होती है, मतलब जो अपडेट्स होती है टर्म एंड कंडीशन की, उस अपडेट की पेज ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं व्हाट्सएप का की अपडेट, ठीक है। देन आप यहां पर चेक कर सकते हैं जो मेन पॉइंट, मतलब जो पुराने वाले टर्म एंड कंडीशन और नए वाले टर्म एंड कंडीशन में कुछ की पॉइंट्स है, क्या चेंजेस हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करनी है, जो की अपडेट्स है उसको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी ऐसे नीचे आनी है, ठीक है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप ने बताया है कि 2014 में व्हाट्सएप को फेसबुक ने ख़रीदा था। सो 2014 से पहले जो व्हाट्सएप आप यूज करते थे वो एक इंडिविजुअल कंपनी था व्हाट्सएप, ठीक है। बट 2014 के बाद फेसबुक ने उसको ख़रीदा था, जो कि व्हाट्सएप अभी फेसबुक के कंट्रोल में है, ठीक है। सो फेसबुक एक फेसबुक फैमिली ऑफ कंपनी है, जो कि 5-6 कंपनी को लेकर फेसबुक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं ये नया टर्म एंड कंडीशन क्यों लाते हैं, क्योंकि जो फेसबुक कंपनी है, मतलब फेसबुक कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी या फेसबुक फैमिली ऑफ कंपनी है, उस कंपनी का डेवलपमेंट, मतलब ज़्यादा अर्निंग कैसे होगी, उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए ये कुछ चेंजेस व्हाट्सएप पर लाए हैं। सो क्या क्या चेंजेस लाए हैं उसके बारे में नीचे हम देखते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर आती है योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। सो पुराने वाले टर्म एंड कंडीशन में क्या होती थी, अगर आप न्यूली व्हाट्सएप यूज करते थे, देन आपकी जो फ़ोन नंबर है उस फ़ोन नंबर को दे के रजिस्टर कर लेते थे, उसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। बट अब क्या होगी, आप व्हाट्सएप यूज करने के लिए चाहते हैं, देन आपकी फ़ोन नंबर देंगे, उसके बाद आपकी पूरा नाम, उसके साथ एड्रेस, उसके साथ जेंडर डिटेल्स, बहुत कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको पूछा जाएगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन सही से नहीं देते, देन आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो दोस्तों, देन आती है योर मैसेजेस, ठीक है। सो पुराना वाला कंडीशन में क्या था, जो आप कभी किसी को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, उस मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ऑप्शन में सेंड होती थी। तो आपके फ़ोन में जब आप सेंड करते थे, वो मैसेज सर्वर तक जाती थी, सर्वर से रिसीवर तक जाती थी, ठीक है। बट वो मैसेज 30 डे तक सर्वर में स्टोर होकर रहती थी, ठीक है। बट जो नई अपडेट आई है, उन लोगों ने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है आपको कि अगर मैसेज डिलीवरी हो जाती है, मतलब आप मैसेज सेंड किए और जो रिसिपेंट है, मतलब रिसीवर है, उस मैसेज को तुरंत सीन कर देती है, अगर डिलीवरी हो चुकी है, देन उनके सर्वर से वो मैसेज तुरंत डिलीट हो जाएगी। बट आपकी मैसेज अगर अनसेंड हो गई है और अनडिलीवर्ड है, मतलब आप एक मैसेज सेंड की है बट जो रिसिपेंट है वो ऑफलाइन है, देन आपकी मैसेज को वो स्टोर करके रखेंगे। देन 30 दिन के अंदर अगर वो रिसीवर मैसेज को नहीं देखता है, बाद में वो मैसेज को उन लोगों ने डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, योर कनेक्शन।
ठीक है, इसमें एक्चुअली की पॉइंट क्या है उसका, देखो जो पुराना वाला टर्म एंड कंडीशन था, आपकी जो व्हाट्सएप पर कौन से ग्रुप पर आप ऐड कर रहे हैं और ग्रुप में आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, उन लोगों ने पहले आपको ट्रैक नहीं करते थे, मतलब वो डाटा को उन लोगों ने स्टोर नहीं करते थे। बट इस नई अपडेट में क्लियरली उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि आप कौन से ग्रुप में ऐड करते हैं और आपकी जो एक्टिविटीज़ क्या होती है ग्रुप में, वो डाटा को उन लोगों ने कलेक्ट करेंगे क्योंकि उनके जो फर्दर बिजनेस प्रोपोजल हैं उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो दोस्तों देन आती है यूसेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। देखो दोस्तों, जो पहले पुराना वाला टर्म एंड कंडीशन था उसमें ये पॉइंट नहीं था, बट इस जो नए टर्म एंड कंडीशन है उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उनका जो डायग्नोसिस सिस्टम होती है, मतलब जो ट्रबल शूटिंग का जो सिस्टम होती है उसको डेवलप करने के लिए उन लोगों ने आपकी जो इंटरेक्ट अदर पीपल के साथ जो इंटरेक्ट होती है, मतलब कोई दोस्त के साथ व्हाट्सअप के बारे में आप क्या बात करते हैं और व्हाट्सअप के प्रॉब्लम के बारे में क्या बात करते हैं, अगर उस टाइप का कुछ डिस्कशन आप किसी के साथ करते हैं देन उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों ने कलेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी जो डायग्नोसिस सिस्टम होती है, जो ट्रबल शूटिंग का जो प्रॉब्लम होती है उसको डेवलप करने के लिए ये डाटा को उन लोगों ने कलेक्ट करेंगे, ठीक है। देन आती है ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो पहला वाला टर्म एंड कंडीशन था उन लोगों ने बताया था कि अगर व्हाट्सएप पर आप कोई भी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं उस डाटा को उन लोगों ने सेव नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो नया टर्म एंड कंडीशन है उस लोगों ने क्लियरली बता दिया है कि अगर आप इस सर्विस, मतलब पेमेंट सर्विस कुछ यूज करते हैं व्हाट्सएप पर, देन उस पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिटेल्स और अमाउंट, ट्रांजेक्शन कौन सी कंपनी के माध्यम से आप किए हैं उसके डिटेल्स वो स्टोर करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आती है होती है डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो जो पहले आप व्हाट्सएप यूज करते थे, आप कौन सी डिवाइस पर यूज कर रहे हैं और आपकी जो कनेक्शन, मतलब जो इंटरनेट की कनेक्शन है कौन सी सर्वर से आ रही है और कौन सी नेटवर्क आप यूज करें उसके बारे में व्हाट्सएप डाटा कलेक्ट नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आप कौन सी सिस्टम यूज करें, मतलब कौन सी डिवाइस यूज करें, उसका आईपी एड्रेस, उसका लोकेशन डिटेल्स, उसके साथ आपकी डिवाइस की हर कोई डिटेल्स उन लोगों ने कैप्चर करके रखेंगे, ठीक है। सो देन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुकीज़, उसके बाद स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो दोस्तों देन आती है स्टेटस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो पुराना वाला अपडेट था, मतलब टर्म एंड कंडीशन था, उसमें ये पॉइंट मेंशन नहीं था, बट अब ये पॉइंट मेंशन है कि आप व्हाट्सएप कब यूज करते हैं, मतलब दिन भर कितने टाइम आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डाटा वो स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। देन आती है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, ठीक है। देखो दोस्तों, उन लोगों का कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मतलब फेसबुक एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब कुछ कंपनियों को लेकर फेसबुक बना हुआ है, जिसमें व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और बहुत सारे चार पांच कंपनी है, ठीक है। उन कंपनियों का डेवलपमेंट करने के लिए व्हाट्सअप आपकी जो डेटा को थर्ड पार्टी को सेंड कर देगी, ठीक है। मतलब आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है, उस इन्फॉर्मेशन मतलब डाटा को कलेक्ट करके वो जो दूसरे कंपनी उसका है, मतलब उनका जो ग्रुप के अंदर जो भी कंपनी है उस कंपनी को आपकी डाटा सेल मतलब बेचती रहेगी उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद आते हैं थर्ड पार्टी सर्विस, ठीक है। उन लोगों ने आपको बताया है कि अगर व्हाट्सअप के कुछ जो थर्ड पार्टीज होती है, मतलब आप फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम यूज करें और बहुत सारे उनका जो कुछ कंपनी का मतलब प्रोडक्ट है उसको आप यूज करते हो, यूज करने के बाद अगर आप कुछ भी डाटा उसके अंदर शेयर करते हो देन उस डाटा को व्हाट्सएप कलेक्ट कर देगी, ठीक है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन यू एंड वी शेयर, ठीक है। जो व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट करेंगी ये वहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, योर फोन नंबर, प्रोफाइल नेम एंड फोटो, ऑनलाइन स्टेटस, मैसेज, लास्ट सीन स्टेटस, रिसिप्ट में भी अवेल एनुअन यूज आर सर्विस, मतलब उनका जो व्हाट्सएप का कुछ सर्विस होता है उस सर्विस के बारे में अगर आप कुछ यूज करते हैं देन ये सब इन्फॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर करेंगी, ठीक है। देन आती है योर कॉन्टैक्ट्स एंड अदर्स, आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट्स है व्हाट्सएप पर और कोई भी अदर पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट करती है व्हाट्सएप पर देन उसकी जो डाटा बेस होती है उस डाटा भी थर्ड पार्टी के साथ वो प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं एफिलेटेड कंपनीज, ठीक है। वी जॉइनड द फेसबुक फैमिली ऑफ कंपनी इन 2014। सो यहां पर आप देख सकते हैं फेसबुक फैमिली ऑफ कंपनी, मतलब फेसबुक ग्रुप ऑफ कंपनी। सो इसके अंदर कौन सी कंपनी आती है मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है।
सो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फेसबुक कंपनीज मतलब ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है। सो जो पहले में आते ही फेसबुक पेमेंट एजेंसी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है ट्रांजेक्शन करने के लिए, पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए। उसके साथ आती है इनाभो, इनाभो जो कि पहले इसराइल में था, उस कंपनी को बाद में मार्क जुगरबर्ग ने खरीदा है। इस कंपनी जो इनाभो है ये स्पायर तरीके से काम करती है। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं फेसबुक टेक्नोलॉजी LLC एंड फेसबुक टेक्नोलॉजी आयरलैंड लिमिटेड, व्हाट्सअप INC एंड व्हाट्सअप आयरलैंड लिमिटेड, ट्राउड टाइंगल। ये जो कंपनी है ये मार्क जुकरबर्ग के हैं, ये व्हाट्सअप भी मार्क जुकरबर्ग के हैं, ठीक है। अगर आप व्हाट्सअप यूज करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि उन लोगों ने आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उन जो ग्रुप ऑफ कंपनी उनका है उनको प्रोवाइड करेंगे। सो व्हाट्सअप में जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप पीपल मतलब अदर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके दोस्त के साथ क्या क्या डाटा शेयर करते हैं, और आप एक बात जो व्हाट्सअप पर नया सिस्टम आया है मतलब जो नया ऑप्शन आया है पेमेंट का, आप जो पेमेंट करते हैं कौन सी अकाउंट पर करते हैं, कितने अमाउंट की है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स वो भी स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद बोथ पार्टी का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, अकाउंट नेम, एड्रेस, कौन सी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, डिटेल्स एक डाटाबेस वो करके उस डाटाबेस को ये जो 500 कंपनी है, इस 500 कंपनी को वो सेंड करेंगे ताकि ये 500 कंपनी का डेवलप हो, मतलब फ्यूचर में इनका जो बिजनेस है बिजनेस डेवलप करने के लिए उन लोगों को सेंड करेंगे। सो दोस्तों ध्यान रखना, आज के ज़माने में आपकी जो डाटा होती है वो डाटा बहुत कीमती होती है, मतलब गोल्ड डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होती है आपकी डाटा। सो आज के ज़माने में जितने भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंपनी सी होती है उन लोगों को डाटा चाहिए, ठीक है। जिस कंपनी के पास जितने डाटा होती है उनकी पावर ज़्यादा होती है। सो ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको व्हाट्सअप के बारे में बता दिया है कि नया टर्म एंड कंडीशन क्या है और आप के डाटा को उन लोगों ने कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो दोस्तों इन शॉर्ट में मैंने आपको जो व्हाट्सअप के टर्म एंड कंडीशन है कुछ की पॉइंट्स आपको बता दिया है। सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट्सअप ने आपके डाटा को कैसे कलेक्ट करके दूसरे कंपनी की डेवलप के लिए उनको सेंड करेगी। ये पता होने के बाद अगर आप चाहते हैं ये आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, देन आप जो व्हाट्सअप की नई अपडेट आई है उसको आई एग्री करके व्हाट्सअप को कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आपकी जो पर्सनल डाटा आपके लिए कीमती है, देन आप व्हाट्सअप को सिंपली से डिलीट कर सकते हैं, उसके बदले में आप टेलीग्राम यूज कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसको आप यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो गया। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कुछ वैल्यूबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। अगर इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।